राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भोपाल उत्तर से बीजेपी आगे चल रही है, भोपाल दक्षिण पश्चिम से भी बीजेपी आगे चल रही है। बता दें कि भोपाल से बीजेपी के भगवान दास सबनामी सबनानी तकरीबन 10,079 वोटों से आगे चल रहे हैं। नरेला से बीजेपी के विश्वास सारंग तकरीबन 8,962 वोटों से आगे चल रहे हैं। बैरसिया की अगर बात की जाए तो यहाँ से विष्णु खत्री 8,080 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये लीडिंग है। और भोपाल मध्य से कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद 26,204 मतों से आगे चल रहे हैं। गोविंदपुरा की बात की जाए तो यहां पर कृष्णा गौर 50,584 वोटों की लीडिंग बनाई हुई है। हुजूर विधानसभा से रामेश्वर शर्मा 44,142 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये लीडिंग है। भोपाल में 5 सीट पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, और भोपाल उत्तर से आतिफ अकील तकरीबन 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये लीडिंग है उनकी। भोपाल उत्तर से बीजेपी के आलोक शर्मा पीछे चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए भोपाल उत्तर की, भोपाल दक्षिण पश्चिम से बीजेपी आगे चल रही है। और इसी बीच बता दें आपको, बीजेपी के भगवान दास सबनानी 10,079 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये लीडिंग है उनकी। नरेला से बीजेपी के विश्वास सारंग 8,962 वोटों से आगे चल रहे हैं। और बैरसिया से बीजेपी के विष्णु खत्री 8,080 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए भोपाल मध्य की, तो यहाँ से कांग्रेस के आरिफ मसूद 26,204 मतों से आगे चल रहे हैं। गोविंदपुरा से बीजेपी की कृष्णा गौर 50,000 मतों के बड़े अंतर से आगे चल रही है। और दूसरी ओर हुजूर से बीजेपी के दिग्गज नेता रामेश्वर शर्मा 44,000 वोटों से लीडिंग बनाए हुए हैं। तो बता दें कि भोपाल में से 5 सीट पर बीजेपी आगे तो 2 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। भोपाल उत्तर से आतिफ अकील 20,000 मतों से आगे चल रहे हैं।